मेरठ में एक अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत उसके द्वारा पुलिस को भी कर दी गई है। आपको बता दें कि एडवोकेट राजा खान मेरठ के निवासी होने के साथ ही मेरठ बार एसोसिएशन के सदस्य हैं तथा मेरठ कचहरी में वकालत का कार्य करते हैं। उनका कहना है कि उनके सगे चाचा शमीम और उनका बेटा इमरान उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है और विरोध करने पर जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके चाचा शातिर किस्म के बदमाश व जालसाज किस्म के व्यक्ति हैं और उसके खिलाफ मुंडाली थाना व अन्य थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। क्या मामला है? मेरा नाम राजा खान एडवोकेट है, मैं मेरठ कचहरी में वकालत करता हूँ। मैंने आज एक शिकायत प्रार्थना पत्र अपने चाचा समीम व उसकी पत्नी व उसके बेटे व उसके दो भाइयों के विरुद्ध एसएसपी महोदय को दिया है और एसएसपी महोदय ने सीओ ममाना को आदेश किया है कि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या क्या आपने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है? मामला ये है कि हमारे घर गांव में ग्राम अस्सा में हमारे घर घेर की जमीन है, उस पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा करना चाहता है इसका परिवार और इसके भाई, और हमें ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे विरुद्ध ऐसा मुकदमा पंजीकृत करा देंगे जिससे कि तुम्हारी जमानत नहीं होगी, और हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं बार बार मेरे पिता को और मुझे। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कप्तान साहब ने इनके विरुद्ध सीओ मवानों को आदेश किया है कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश होंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनके विरुद्ध सख्त से। इसके विरुद्ध हमारे चाचा के विरुद्ध थाना मुंडाली पे और इसके बेटे के विरुद्ध भी एक मुकदमा पंजीकृत है जिसके विरुद्ध विवेचना चल रही है, जिसमें ये फरार चल रहा है, दोनों बाप बेटे फरार चल रहे हैं और इनके विरुद्ध अन्य थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। बार एसोसिएशन को अवगत कराया इस बारे में? इस संबंध में मैंने बार एसोसिएशन को अवगत कराया, बार एसोसिएशन ने मुझे पूरी मदद और कवरिंग लेटर बना के दिया और पूरी मदद का आश्वासन दिया, ये कवरिंग लेटर बना के दिया है मुझे पूरा कंप्लीट और मदद का आश्वासन दिया है। टेबल पे रखिए फाइल।